गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम अपने सब्जेक्ट कंप्यूटर के बारे में लर्न करेंगे। दिस इज़ योर कंप्यूटर बुक एंड अब सभी बच्चे अपनी कंप्यूटर बुक्स का लेसन नंबर 1 एंड पेज नंबर 5 ओपन करेंगे। दिस इज़ योर कंप्यूटर बुक एंड लेसन नंबर 1। नेम है लेसन का अ कंप्यूटर अ मशीन। ठीक है, जो कंप्यूटर होता है वो एक मशीन है। आपने अपने आसपास बहुत सारी मशीन्स देखी होंगी, तो वैसे ही हमारा जो कंप्यूटर है वो एक क्या है, मशीन है। ठीक है, यहाँ पे भी लिखा है ना, मशीन इज़ एन मैन मेड थिंग, कि जो भी मशीन होती है वो आदमी के द्वारा बनाई जाती है। एंड देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ मशीन्स विच आर यूज्ड इन आवर डे टू डे लाइफ टू मेक आवर वर्क ईजियर एंड सेव आवर टाइम। कि जो भी हमारी मशीन्स होती हैं, ठीक है, जो भी हम मशीन्स अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, हर रोज़ आप जितनी भी मशीन्स देखते हो, आप यूज़ करते हो, उससे क्या होता है कि जो भी आप काम करते हो वो बहुत ही ज़्यादा ईजी हो जाता है एंड आपका टाइम है जो सेव हो जाता है। तो बहुत सारी मशीन्स की टाइप्स हैं। वी हैव सीन दैट मशीन्स मेक अवर जॉब ईजी। यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो मशीन्स है वो हमारा टाइम सेव करती है। इन आवर डेली लाइफ वी सी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन अराउंड अस। तो हम अपने आसपास बहुत सारी मशीन्स देखते हैं। दीज ऑल मशीन्स आर मैन मेड मशीन्स। तो जो सभी मशीन्स होती हैं वो एक मैन के द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, वी कैन डिवाइड दीज मशीन्स इंटू टू कैटेगरीज। तो अभी हम ये वाली मशीन्स को दो कैटेगरीज में डिफाइन करते हैं। फर्स्ट है मैनुअल मशीन्स एंड सेकंड है ऑटोमेटिक मशीन्स। जो हमारी मैनुअल मशीन्स होती हैं वो कौन सी मशीन्स होती हैं, जो मैन के द्वारा बनाई जाती है। दैट मीन्स जो एक आदमी के द्वारा बनाई जाती हैं। ठीक है, एंड जो हमारी ऑटोमेटिक मशीन्स होती हैं वो होती हैं जो अपने आप काम करती हैं। ठीक है, मैनुअल मशीन्स वर्क बाय फिजिकल एफर्ट्स। जो मैनुअल मशीन्स होती हैं उनको आपको खुद चलाना पड़ता है। ठीक है, एंड जो आपकी ऑटोमेटिक मशीन्स होती हैं उनमें क्या होता है कि एन ऑटोमेटिक मशीन डज नॉट नीड एनी फिजिकल एफर्ट्स और एनी मेडिटेशन फॉर इट्स फंक्शनैलिटी। ठीक है, जो आपकी ऑटोमेटिक मशीन्स होती हैं उसको चलाने के लिए आपको कोई भी एफर्ट नहीं करना पड़ता। दैट मीन्स कि उसकी जो फंक्शनैलिटी होती है वो अपने आप वर्क करती है। अभी यहाँ पे हमारा सेकंड पार्ट है, आ यूजर मशीन नीड्स फिजिकल एफर्ट। जो हमारी जूसर मशीन होती है वो ऐसी होती है देखो, और इसकी ये वाला हैंड ग्राइंडर होता है, इसको हमें चलाना पड़ता है। ठीक है, एंड जो ऑटोमेटिक मशीन होती है, एन ऑटोमेटिक जूसर मशीन नीड्स नो फिजिकल एफर्ट्स। एंड जो ऑटोमेटिकल मशीन्स होती हैं उसको क्या होता है कि उसका ओनली जो प्लग होता है वो लगाओ एंड स्विच ऑन करो, वो चल पड़ती है। ठीक है, वो होती हैं ऑटोमेटिक मशीन्स। जो मैनुअल मशीन्स होती हैं उनको आपको खुद हाथ से चलाना पड़ता है। जैसे क्या है कि आप बाईसाइकिल नीड्स टू बी पैडल्ड बाय योर लेग्स। जो आपकी बाईसाइकिल होती है ये तो सभी के पास होगी एंड सभी ने देखा भी होगा कि जो आप बाईसाइकिल चलाते हो उसको आपको पैडल्स करना पड़ता है आपकी लेग्स के साथ। ठीक है, तभी वो आगे बढ़ती है। और जो आपकी बाइक होती है नीड्स नॉट टू बी पैडल्ड। जो आपकी बाइक्स होती है उसको पैडल नहीं मारने पड़ते। ठीक है, वो अपने आप चलती है, उसको की लगाओ एंड वो स्टार्ट करो, देन बाइक आपकी चलने लगती है। ठीक है, ये था हमारा आज का लेसन, लेसन नंबर 1 एंड पेज नंबर 5। नेक्स्ट डे अभी हम रीड करेंगे आपका पेज नंबर 6। ठीक है, थैंक्स, हैव अ नाइस डे।